वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज के ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि कुछ रेसिपी से स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं बड़ी जल्दी से दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कहते हैं वन मिनट कुकिंग, तो वन मिनट कुकिंग एक्चुअली कोई होती ही नहीं, क्योंकि कुकिंग करते वक्त आपको चीज़ें पकाते वक्त आपको टाइम तो लगता है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है वन मिनट रेसिपीज़ का, तो जी मेरे पास वन मिनट रेसिपी नहीं है। आज मैं कुछ बना रही हूँ लेकिन उसको मैं सही से पकाऊंगी तो इसमें तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं स्टू बना रही हूँ चिकन का, उसकी चीज़ें यहाँ पर मसाले मैंने रखे हैं बड़े सिंपल बड़े ईजी। सुरख मिर्च है, सॉल्ट है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, कुटा भुना ज़ीरा है, गरम मसाला है। बहुत थोड़े से मसालों से ये बन जाता है। उसके साथ मुझे प्याज चाहिए, थोड़ी सी वो मोटी वाली सुरख मिर्च चाहिए, टमाटर का पेस्ट है यहाँ पे मेरे पास, इसको मैंने सब्ज़ मिर्च के साथ ग्राइंड कर लिया। और ये मेरे दो डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होगा इसलिए ज़्यादा सा। और दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ यहाँ पर भरे हुए बैंगन, तो ये भी बड़े मज़े के बनते हैं अच्छे से। आपको किसी भी तरह से छोटे बैंगन में बने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैंने बैंगन लेने गई तो मुझे सारे छोटे नहीं थे मिले, एक दो बड़े भी हैं, तो इसका मसाले भी बड़े इजी हैं। तो यहाँ पे सूखा धनिया, ज़ीरा, कुटा भुना ज़ीरा है, और ये रोस्टेड है, ड्राई रोस्ट करके मैंने बनाया हुआ। सुरख मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो है तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, जो मसाला आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसके लिए मैंने प्याज को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। तो चलते हैं दोनों रेसिपीज़ को फटाफट से तैयार करते हैं, दो आज रेसिपी तैयार कर रही हूँ तो चले जी। तो बैंगन का मसाला रेडी होने के लिए रख चुकी हूँ मैं चूल्हे पे, ऑयल डाला था मैंने, प्याज डाले हैं, तो इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के साथ ही साथ दूसरा पैन मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी तरफ मैंने स्टू के लिए भी पैन रख दिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में मैं शामिल कर लूँगी लहसुन का पेस्ट, और दोनों मसाले जल्दी से साथ में बनाएंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको एक ही टाइम में दो रेसिपीज़ दूँ, और 40 मिनट्स में इंशाल्लाह मेरी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी। अब इसमें हम डालते हैं अदरक का पेस्ट, उस बैंगन के मसाले में भी डाल दिया अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे स्टू के मसाले में भी अदरक का पेस्ट डाल दिया। इनको अब अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स, और इनको फिर कवर करके रख देंगे पकने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप ये रेसिपी अगर आपके घर गेस्ट आए उनके लिए बनाएं, आप यकीन जाने उनको बहुत मज़ा आएगा, दोनों कम्बिनेशन बहुत ही मज़े के हैं। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो जब तक अब मसाले मेरे भुन रहे हैं प्याज वगैरह, तो यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ जो मैंने बैंगन में भरना है। तो मसाले आपको पता चल रहे हैं, मैं एक ही एक्स्ट्रा मसाला है जो है तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है उसको बाउंडिंग देने के लिए कि अच्छी से ना वो जुड़ जाए मसाला। तो जी तो इसमें मैं लेमन नहीं डालती, अगर आप लेमन डालना चाहें तो आप ज़रूर डाल सकते हैं लेमन। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सारी चीज़ों को जी। तो देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला बन गया। तो इससे पहले हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और अपनी हंडिया चेक कर। जी तो यहाँ पे देखिए ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ये बैंगन के लिए फ्राई हो रहा है, मुझे थोड़ा सा और फ्राई करना है, इसको रखते हैं वापस। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं चिकन का मसाला जी। तो चिकन स्टू जो बन रहा है उसके लिए ये देखिए बड़ा प्यारा सा, ये देखिए गोल्डन हो रहा है अच्छा सा, और ऐसा स्मोकी ही फ्लेवर चाहिए। अगर आप स्टू खाते हैं तो आपको पता होगा कि स्टू थोड़ा स्मोकी स्मोकी सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट था, ऑयल था, उसमें डाल देती हूँ चिकन, और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा फ्राई। तो जी इसको छोड़ देते हैं फुल हाई फ्लेम पर, इसको फ्राई करते हैं और वापस चलते हैं बैंगन की तरफ, और बैंगन को काट के उसमें मसाला भरते हैं। चिकन को कवर नहीं करना, अगर आप कवर करेंगे, अगर आप नॉर्थ अमेरिका साइड पे रहते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है चिकन, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डिपेंड करता है आपके कि आपका चिकन कैसे गलता है, आप कवर करना चाहें तो कर सकते। यहाँ पर देखिए जल्दी से हम भर लेते हैं इसको, मैं बार बार जल्दी से यूज़ कर रही हूँ कि यू नो फिर वो मुझे बीट करना कि मैंने बड़ी जल्दी बनाया, लेकिन जो मर्ज़ी करती हूँ मैं बातें इतनी करती हूँ के वो वीडियो लंबी हो ही जाएगी। तो हम इसमें मसाला भर लेते हैं, ये देखिए ऐसे आप मसाला अंदर डालिए, ये देखिए एक चम्मच मसाला, ये देखिए ऐसे मसाला डाला अंदर, जब आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो
साइडों से जो एक्स्ट्रा होगा निकल आएगा, बाकी अंदर आ जाएगा। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको ओपन करते हैं, देखिए उस तरफ चला गया, और इस तरफ भी हम ऐसे मसाले को थोड़ा सा नीचे स्क्वीज़ करूँगी, और जैसे ही वो नीचे स्क्वीज़ हुआ, और दोबारा से बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि सारा मसाला बाहर आ जाए। तो जी यहाँ पे ये देखिए जी, तो ये ज़बरदस्त सा हमने बैंगन भर लिया। इसी तरह से मैं सारे बैंगन इधर भर के रखती हूँ जी। तो बैंगन भर ली है मैंने, सारा मसाला यूज़ हो गया था, ये भी ज़ाया नहीं करना। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो जब मैं इसको छीटा लगाऊंगी पानी का, तो देखिए स्टू का चिकन मैंने जब से डाला था इसको 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको मूव नहीं किया, तो इसका कलर आ जाए एक तरफ। तो देखिए थोड़ा सा आपको रोस्टेड, देखिए रोस्ट जैसे हो जाता है चिकन, इसको इस तरह से करना है। तो जब इस तरह हो जाए तो हम इसमें सारे मसाले ऐड कर दें जी। तो स्टू बड़ी जल्दी से बन जाने वाली डिश है और बड़ी मज़े की बनती है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ, गरम मसाला भी साथ ही चला जाएगा। तो मसाले डालने के साथ ही जो मैंने टमाटर का और सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है। आप ये आलमोस्ट 4 टमाटर आप कह लें, टमाटर और 1 सब्ज़ मिर्च, तो ये उसका पेस्ट है। ये सारा चला गया स्टू में, इसको मिक्स करते हैं। तो जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है तब तक इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर ब्राउन है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के मिडल में होना चाहिए। और अब इस पर हम रख देते हैं ये जो हमारे बैंगन थे, ये जो बैंगन हमने भरे हुए थे, ये सारे बैंगन इसके ऊपर रख देते हैं इनको पकने के लिए थोड़ी देर। ये स्टीम में पकेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्याज जो मैंने डाले हैं वो जल जाए, इसलिए ये जो मसाला मैंने यूज़ किया था बिल्कुल इसके लिए कि मसाला जले नहीं, कि जो मैंने मसाला बनाया था उसी मसाले को पानी मिक्स करके ये थोड़ा सा सारी तरफ डाल दें। और जब तक हम इसको पका लेते हैं तब तक बैंगनों से अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए जी। तो 7 to 8 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया, और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। साइड चेंज, ये देखिए अगर क्लोजअप टू कैमरे की हो तो देखिए बड़ा प्यारा गलना शुरू हो गया। तो आप इसकी साइड चेंज कर लें सबकी जी। तो इनकी साइड चेंज कर दी है, और हमें थोड़ा सा ये मसाले वाला पसंद है, अच्छा खासा मसाला। तो यहाँ पे के नीचे से बैंगन जले भी नहीं, और आप इस तरह से के ऊपर जो आपने टमाटर की पेस्ट तैयार की है सब्ज़ मिर्च और टमाटर की वो डाल दें, और उसमें ये अपने ही पानी में, आपको पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, अपने ही पानी में बैंगन गल भी जाएंगे और बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी आपको मिल जाएगी। इसको कवर कर देते हैं दोबारा से, और यहाँ पे आ लें कि देखिए स्टू का जो है, मैंने इसको थोड़ा सा एक दफ़ा इसका साइड चेंज की थी, देखिए देखिए कितना सारा पानी छोड़ा है चिकन ने। तो इसको कवर करने के बगैर ही अभी मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। तो आप अपने चिकन के हिसाब से इसको कीजिएगा। यहाँ पे इसको पकने के लिए छोड़ते हैं जी। तो यहाँ पे बैंगन आपको दिखाएं, बड़े मज़े के, किचन में बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है इस टाइम। देखिए मैंने एक दफ़ा हल्का सा इसको मूव किया था, इसको मूव नहीं ज़्यादा करना, देखिए बस इतना इसलिए मूव करना कि नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए नीचे बस लगना नहीं चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा जो नीचे लगता है इसको ऐसे हिलाते रहें, इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहती तो ये पार्ट स्किप भी कर जाती, लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर मस्त करूँ छोटी छोटी बातें, कि जो हम लोग अक्सर किचन में काम करते हैं कभी नहीं भी उन चीज़ों को फॉलो किया जाता। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नीचे नहीं लगना चाहिए, तो आपको अपने चूल्हे का अंदाज़ा उसी तरह से करना है। और देखिए बड़ा मज़े के ये मसाला रेडी हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा मसाले ही में मज़ा आता है इनका, बैंगन का। तो देखिए रेडी हो रहे हैं, तो दोबारा से करती हूँ कवर, और इसका मैं चूल्हा थोड़ा सा कर देती हूँ आहिस्ता, कि ये हल्की आंच पे बने, मेरे बैंगन अंदर तक गल जाए, मसाला अंदर तक चला जाए, लेकिन नीचे से लगना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टू, देखिए कितना मज़े। तो देखिए चिकन को आधा घंटा से ज़्यादा हो गया पकते हुए, और देखिए बहुत मज़े का ये रेडी हो गया। ये तो इस स्टेज पे तो ये बिल्कुल आप
जैसे मसाले वाला हम कोई भी आम का चिकन बनाते हैं वैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो दो चीज़ें हम तीन ऐड करेंगे उससे ये स्टू, यानी देखिए वो जो मिर्चें हैं ये हमने डालनी है इसमें, ये मिर्चें डाल देते हैं और ये जो प्याज है इनको डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको मिक्स किया और इसको मिक्स करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा योगर्ट, और योगर्ट आपने ऐसा ऐड करना है कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कि मैं योगर्ट ऐड करूँगी इधर, तीन चम्मच योगर्ट था तो मैंने ऐड कर लिया। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी कि इसके वो एक अजीब सी शक्ल बन जाती है योगर्ट की, वैसी ना रहे। तो ये देखिए आपको सेपरेट से बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिक्स करते हैं और इसको हम रख देते हैं दम पे। और आलमोस्ट हमारा स्टू रेडी है, चिकन स्टू आलमोस्ट रेडी है। देखिए इसको आपको नज़र आ ही रहा होगा, इसके पकने का पता चल गया क्योंकि योगर्ट डालने के बाद भी ये देखिए इसकी तरी साइड पे आ गई हुई है, ऑयल साइड पे निकल के आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि हमारा चिकन पक गया हुआ है। लेकिन ये जो हमने ओनियन प्याज डाले हैं और जो मिर्चें डाली हैं और दही डाला है तो उसका फ्लेवर अच्छे से खिल के आ जाए, इसलिए इसको दम पे नहीं रखना, फुल हाई फ्लेम पे रख के 5 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं और 3 से 4 मिनट दम देंगे। और यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं बैंगन की तरफ। तो जी ज़बरदस्त से बैंगन रेडी हो रहे हैं, और वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, देखिए बस इसको बैंगन को ऐसे मूव करना है कि नीचे से आपका लगे नहीं, किसी खुले मुंह के बर्तन में बनाएं। तो देखिए माशाल्लाह से बैंगन की लुक से ही पता चल रहा है कि बैंगन गल गए हैं, लेकिन फिर भी इसको अभी मैं 7 से 8 मिनट और मज़ीद पकाऊँगी कि पूरा फुल घुला हुआ जैसे मलाई बैंगन ही मज़े का लगता है। जैसे इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना मलाई हो गया, लेकिन स्टिल इसको थोड़ा सा और दम में पकने देते हैं। जी द चिकन स्टू की फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा देखिए तरी आ चुकी है सब तरफ, ये देखिए बबल बन रहे हैं और देखिए ज़बरदस्त सा चिकन स्टू रेडी है। और ये देखिए अगर आप इसको देखें इसमें ग्रेवी भी अच्छी खासी है, और आपको वो ओनियन का जो अरोमा आता है ना इसमें थोड़ा कच्चा और थोड़ा पक्का, ये देखिए कच्चा पक्का ओनियन, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो स्टू हमारा रेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जी फाइनल लुक भरे हुए बैंगन की भी। ये भी देखिए ज़बरदस्त से बैंगन भी रेडी है, वो बहुत मज़े के बनते हैं। अगर बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करके बैंगन इस तरह से बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए जी आज की दोनों रेसिपियाँ रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे चूल्हा बंद करते हैं और मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।